दोस्तों, मेरा नाम है रिया एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि 12A कार्टेज को कैसे रिफिल करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमको कुछ टूल्स लगेंगे। वो टूल्स आपके हैं, आपका एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, उसके साथ आपको एक और लॉक खोलने के लिए आपको एक और टूल्स इस प्रकार के होने चाहिए, नुकीले वाली। एक हम मैग्नेट ले लेते हैं ताकि इसमें आप स्प्रिंग अपना रख पाए या इसका स्क्रू जो है वो आप यहाँ पर रख पाए। और एक यहाँ पे हम इस प्रकार का कोई कुप्पी ले लेते हैं जिससे आपको कार्टेज पे पाउडर डालने पे आसानी हो। और साथ ही साथ हमको रिफ़िल करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका पाउडर। तो देखिए दोस्तों, हमने जो पाउडर यूज़ कर रहा है वो हमने कैंड्री ब्रांड का यूज़ कर रहा है ना। ये जो आपके जो कैंड्री ब्रांड के जो पाउडर है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के डार्क पाउडर है। तो ये वाला पाउडर मैं आपको रिफ़ंड करती हूँ कि आप यही पाउडर यूज़ करें। उसके बाद दोस्तों हमको कार्टेज की भी आवश्यकता होगी कार्टेज रिफ़िल करने के लिए, है ना। उसके बाद हमको एक पेपर ले लेते हैं ताकि हमारा जो इसमें का जो डस्ट है, इसमें का जो पाउडर रहेगा वो आपके डेस्क पे ना गिरे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम कार्टेज कैसे रिफ़िल करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हम पेपर बिछा लेते हैं रिफ़िल करने के लिए ताकि आपका जो पाउडर है वो आपके डेस्क पे ना गिरे, आपका डेस्क गंदा ना हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपके एक 12A के कार्टेज हैं और एक आपके यहीं पे मेरे आपके सामने एक 88 के कार्टेज भी यहाँ पे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था कि किसी भी कार्टेज को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो कार्टेज हैं उस कार्टेज के ऊपर एक लेबल लगी हुई है ना। इस लेबल के द्वारा यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके कार्टेज जो हैं वो 12A कार्टेज हैं, है ना। यहाँ पे आपके जो कार्टेज होते हैं 12A, उसमें आपके 26/12 लिखा होता है, मतलब वो जो कार्टेज है वो आपका 12A का कार्टेज है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम 88 का कार्टेज लिए हैं और एक 12A का कार्टेज लिए हैं। दोनों पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके ये वाला जो पहला वाला जो है आपका जो दिख रहा है वो आपका 12A का कार्टेज है। यहाँ पे आप दोनों साइड इसका देख सकते हैं, इसका जो शेप जो है ना, उसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का इस पर शेप है। उसके बाद यहाँ पे है एक आपका 88 का कार्टेज, इसका भी हम शेप देख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगी। तो ये जो 12A का जो कार्टेज होता है उसका जो शेप होता है वो सभी कार्टेज से अलग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको गियर वाली साइड दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो है वो आपकी गियर साइड वाली है। तो यहाँ पे आपके ये जो ऊपर की जो कैप लगी हुई है गियर के ऊपर, वो कैप आपको अलग से ही पता चल गया है कि आपका जो कार्टेज है वो आपका ये है जो 12A का है, और ये जो आपकी जो कार्टेज है वो आपके 88 के कार्टेज है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 12A का कार्टेज हम कैसे रिफ़िल करते हैं, कि इस कार्टेज को रिफ़िल करने के लिए इसको कौन से साइड से खोलेंगे, है ना, इसको कैसे रिफ़िल करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आपके जो कार्टेज है उसमें एक आपके यहाँ पे जो ऐसे आपको जो सिंबल दिखता है वो सिंबल आपके गियर साइड बोलते हैं इसको, और एक आपका जो साइड दिखता है वो आपका ऐसे पैनल पे दिखता है। तो हमको जो कार्टेज को खोलना है उसके लिए हमको गियर साइड वाली जो स्क्रू दिख रही है उसको हमको खोलना है। और आपका देखिए यहाँ पर ये जो सेटर जो लगा हुआ है, ये जो आपके अप डाउन हो रहे हैं, इसको हम लोग सेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको रिफ़िल करने के लिए इस गियर साइड वाले पिन को खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस स्प्रिंग को खोल लेते हैं। तो यहाँ से ये स्क्रू खोल लेते हैं दोस्तों। ये आपकी स्क्रू खुल गई और इसको हम मैग्नेट पे लगा देते हैं ताकि आपका जो स्क्रू है वो गिरे ना। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऊपर पे जो आपकी जो कैप लगी हुई है उस कैप को हम निकाल देते हैं जो आपके गियर के ऊपर लगी हुई है। तो ये देखो दोस्तों, ये निकल गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके जो लगे हैं ग्रीन कलर के जो आपको दिख रही है वो आपके ड्रम हैं। ये ड्रम जो है आपका, ये जो ड्रम लगी हुई है उसी के साइड पे एक आपका यहाँ पे देखिए पिन भी लगा हुआ है। ये यहाँ पे आपके एक स्प्रिंग जैसे जो पिन लगा हुआ है उस पिन को हम लोग सेंसर पिन बोलते हैं। तो इसको हमको गियर के ऊपर जो कैप लगी हुई थी उसको निकालने के बाद हमको ये पिन निकाल देना है, और इस पिन को निकाल के
रख देना है। तो ये पिन निकालने के लिए आप किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने नेल से आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी जो पिन दिख रही है इसको हम लोग सेंसर पिन बोलते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल रहता है, क्योंकि अगर आपका ये पिन अगर गुम गया तो इससे आपकी प्रिंट जो है वो आपकी ब्लैंक आती है। तो दोस्तों, कभी कभी आप जैसे कि रिफ़िल कर लिए उसके बाद आपने ये पिन लगाना भूल गया, और अगर आप कांटे चेक करते हैं तो वहाँ पे आपके जो पेपर है वो ब्लैंक आती है रिफ़िल करने के बाद भी। तो उसका एक रीज़न में हो सकता है कि आपने ये जो सेंसर पिन जो है वो आपने लगाना भूल गया होगा। तो इसलिए ये सेंसर पिन है उसको हम अच्छे से मैग्नेट पे लगा के रख देते हैं। अब उसके बाद हमको जो खोलना है वो खोलना है, हमको ड्रम को खोलना है। तो ये जो गियर साइड वाली जो आपको दिख रही है, उस गियर साइड वाले को आपको हल्के से ऐसे पुश करना है, और पुश करने के बाद हमको धीरे धीरे ड्रम को हल्के से साइड साइड घुमाते हुए इस ड्रम को आसानी से निकाल के रख देना है। अब दोस्तों, ये जो ड्रम जो दिख रही है आपको रखना भी आपको अच्छे से है, ताकि ये जो ड्रम जो दिख रही है इस पर स्क्रेच ना आए या ये ख़राब ना हो। क्योंकि अगर ये आपका ड्रम कहीं से भी थोड़ा सा भी स्क्रेच आता है तो वो आपके प्रिंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये जो ड्रम जो है उसको हम कहीं अच्छे से रख देते हैं, ताकि इस पर स्क्रू ना पड़े या और कोई चीज़ ना पड़े और आपका ड्रम अच्छे से रहे। तो दोस्तों, ये देखिए, जो यहाँ पे आपकी जो एक ब्लैक कलर की जो दिख रही है वो आपकी PCR रोलर है। इस PCR रोलर को निकालने के लिए हमने एक नुकीली टूल्स का यूज़ किया है, जो कि आपके यहाँ पे है। तो इस टूल के माध्यम से हम क्या करेंगे, ये जो आपकी PCR रोलर यहाँ पे जो दिख रही है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम बहुत ही आहिस्ता से इसको इस टूल से हम यहाँ पे रखेंगे इस टूल्स को, और इसको बहुत ही हल्के से निकालेंगे। और ये देखिए, आपके जो PCR रोलर है वो आपके निकल गया। तो इसको निकाल लेते हैं, और ये निकालने के बाद इसको हम क्या करते हैं, अलग से रख लेते हैं। फिर दोस्तों, ये जो आपके PCR रोलर है वो निकलने के बाद इस कॉटेज पे लॉक लगी होती है। इस लॉक से भी आप पहचान सकते हैं कि ये जो आपकी जो लॉक दिख रही है ये आपके 12 एक कॉटेज पे होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके दोनों साइड लॉक दिख रही है। ये जो लॉक होते हैं वो आपके दोनों 12 एक कॉटेज पे होते हैं। तो अब इसको हमको दोनों पार्ट्स को अलग करने के लिए यहाँ पे जो आपकी लॉक जो लगी हुई है उस लॉक को खोलेंगे। तो उसके लिए भी हमको इस टाइप के नुकीले वाले टूल्स का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो आपके जो लॉक दिख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आप ये सेटर पिन को उठाएंगे सेटर को, तो यहाँ पे आपके लॉक दिखेंगे। तो ये जो लॉक जो दिख रही है आपको, उसको हमको कार्टेज के अंदर से आपको खोलना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लॉक जो यहाँ पे दिख रही है वो आपके अंदर पे कहाँ से खुलेगी। तो हम इस लॉक को खोल लेते हैं। तो इस लॉक को खोलने के लिए हम यहाँ से नुकीले टूल्स का यूज़ करेंगे, और हल्का सा थोड़ा सा धक्का दे के इस लॉक को खोल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉक लगा था वो लॉक आपका यहाँ पे खुल गया है। इस लॉक को हम यहाँ पे मैग्नेट पे रख देते हैं, ताकि आपका जो लॉक है वो घूमे ना। उसी तरह यहाँ पे आपके इस साइड भी आपके ये देखो लॉक लगे हुए हैं। इस लॉक को भी हम सेम यहाँ पे इस टूल से खोल लेते हैं। तो यहाँ से इस टूल से खोल लेते हैं इस लॉक को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लॉक है वो आपका बड़े ही आसानी से निकल गया है। किसी कार्टेज पे जब हम फर्स्ट टाइम रिफ़िल करते हैं तो उसका जो लॉक रहता है वो बहुत ही टाइट रहता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इस टूल के साथ साथ आप पेंचेस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इस टूल से आप थोड़ा सा धक्का दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से पेंचेस से करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपके दोनों लॉक खुल गया दोस्तों। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो कार्टेज जो है उसको दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं। तो अलग करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे हम धीरे से इसको अलग करेंगे। जो सांचे पे जो बैठा रहता है वो आपका दोनों बड़ी ही आसानी से अलग हो जाता है। दोस्तों, हमने ये जो कार्टेज है उसको दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। तो देखिए, जो आपके एक जो पार्ट्स है उसमें ये जो आपके पट्टी जो दिख रही है, सबसे फर्स्ट लाइन पे आपको पट्टी जो दिख रही है, ये जो पट्टी होती है वो आपके डॉक्टर ब्लेड होती है। और यहाँ पे जो आपको एक दिख रहा है वो, इसको हम लोग बोलते हैं वाइपर ब्लेड। तो क्या होता है दोस्तों, कि जब हम प्रिंट करते हैं या पाउडर डाल दिए रहते हैं, उसके बाद
उसमें का जो इंक रहता है या जो डस्ट वाली जो इंक रहती है वो इस आपके वाइपर ब्लेड के पास आके जम जाती है। उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी हम लोग रिफिल करते हैं उसके बाद भी हमारा प्रिंट अच्छे से नहीं आता या जो डस्ट जो रहती है वो आपके प्रिंट पे आने लग जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे जो वाइपर ब्लेड है उसको भी हम साफ़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इंक को झड़ा के देख लेते हैं या फिर इसका जो इंक रहेगा डस्ट रहेगा वो निकल जाएगा। या फिर अगर आपको साफ़ करना है तो यहाँ पे देखिए वाइपर ब्लेड के ऊपर दो स्क्रू दी हुई है, इस स्क्रू को हम खोल के भी वाइपर ब्लेड को साफ़ कर सकते हैं ताकि इसमें का जो डस्ट रहे वो आपका निकल जाए। तो अभी हम ये वाइपर ब्लेड को नहीं खोलते क्योंकि अभी हमारे में ज़्यादा डस्ट नहीं है, है ना, तो इसको हम अभी नहीं खोलेंगे। तो हम इसमें का जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमको इंक डालना है, तो उस वाले पार्ट्स पे हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रू लगी हुई है, तो हमको जो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों हमको जब भी खोलना रहेगा तो हम जो खोलेंगे वो गेयर साइड को खोलेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट में आपका कार्टेज खोला तो उस टाइम भी हमने ड्रम निकाला तो गेयर साइड वाली को खोली है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करेंगे गेयर साइड वाले स्क्रू को खोलेंगे। तो चलिए यहाँ से गेयर साइड वाले स्क्रू को खोल लेते हैं। ये जो स्क्रू हैं वो आपके खुल गए हैं, इसको मैग्नेट से लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपके गियर के ऊपर जो कैप लगी है वो कैप हम निकाल लेते हैं। उसके बाद ये कैप आपकी निकल गई है। उसके बाद ये जो ऊपर पे जो गियर लगी हुई है उसको हम खोल लेते हैं। तो इस गियर को खोलने के लिए हल्का सा पुश करेंगे और ये आपका जो है गियर खुल गया। इसके बाद यहाँ पर एक और लगा होता है गियर के नीचे पे, इसको भी हम खोल लेते हैं। इस कार्टेज को रिफ़िल करना है, तो रिफ़िल करने के लिए दोस्तों हमने ये यहाँ पे जो गियर लगी थी वो हमने निकाल दी है। अब यहाँ पे देखिए एक जो ब्लैक कलर की जो यहाँ पे पट्टी जो दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर की, उस पट्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट रॉड। तो ये जो मैग्नेट रॉड लगी हुई है उस मैग्नेट रॉड को हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे आपको हल्का सा नेल लगाना होगा और इसको थोड़ा सा पुश करते हुए आपको इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ से हम हल्के से पुश कर लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको आपको निकालते समय ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो आपकी जो मैग्नेट रॉड लगी हुई है, ये जो ब्लैक कलर की, उसको आपको घुमा के राउंड करके नहीं निकालना है। अगर आप इसको राउंड करके निकालते हैं ऐसे, आप अगर यहाँ पे लगा हुआ है और अगर आप इसको ऐसे घुमा के निकालते हैं तो यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है वो आपके यहाँ पे जाके आपका फंस जाता है लॉकर पे, और वो उसके बाद उसको निकालने पे बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसको जो हमको निकालना है वो निकालना है हमको यहाँ से, थोड़ा सा नेल आपको यहाँ पे फंसा देनी है और उसके बाद हमको धीरे से पुश करते हुए इसको निकालना है और यहाँ पे रख देना है। उसके बाद हमको ये दोस्तों यहाँ पे जो डस्ट जो इंक भरी हुई है, जो आपकी बची हुई इंक है, उस इंक को हमको पहले बाहर कर देना है, निकाल देना है ताकि हम उस पर नया वाला प्रोडक्ट डाल पाएँ। तो इस इंक को हम पहले खाली कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसमें का जो पूरा इंक था वो आपका खाली हो गया है। अब हमको इस पर नया वाला इंक डालना है, पाउडर डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास पाउडर है उस पाउडर को हम तो पहले मैश कर लेते हैं ताकि ये जो पाउडर जो है वो आपका अच्छी तरह से मैश हो जाए और आपके कार्टेज पे डल जाए। तो ये मैश कर लिए, अब यहाँ से ढक्कन खोलने के बाद ये कुप्पी हम लगा देते हैं ताकि आपका पाउडर जो है वो अच्छे से कार्टेज पे जाए, आपका इधर उधर ना गिरे। फिर हमको इंक डालना है दोस्तों। तो इंक हमको यहाँ पे जहाँ से हमने मैग्नेट रॉड को निकाला है उसी के जगह हमको क्या करना है, इंक डालना है। तो ये इंक देखो डल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे पूरे पाउडर डल गए हैं। अब जैसे जैसे हमने इस कार्टेज को डिसेबल किया था उसी तरह अब हम इसके सभी पार्ट्स को फिर से असेंबल करेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो मैग्नेट रॉड मैंने निकाली थी कार्टेज से, उस मैग्नेट रॉड को हमको फिर से वैसे ही लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो मैग्नेट रॉड है उस पर पूरे जो डस्ट हैं पुराने इंक का वो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद आप इसको कार्टेज पे लगाएंगे क्योंकि इसमें जो आपकी जो डस्ट होती है उसके कारण भी कभी कभी आपके जो
प्रिंट जो होती है वो आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाती, तो आप इसको साफ़ कर लीजिएगा। अभी मेरे पास इसके टूल्स नहीं है साफ़ करने के लिए, इसलिए मैं आपको ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ। तो इसको लगाने के लिए आप यहाँ पे जैसे निकाले थे वैसे ही लगाइएगा, और यहाँ से आप हल्का सा राउंड करके यहाँ से आप इसको घुमा दीजिएगा, तो यहाँ पे जो आपके जो मैग्नेट रॉड है वो यहाँ पे लग जाएंगी। इसको देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपके जो लॉक लगे होते हैं, यहाँ पे देखिए जो आपके राउंड से छोटे से जो गोल दिख रहे हैं ये इनके लॉक हैं। इनको जब आप मैग्नेट रॉड को अच्छे से लगा देते हैं तो यहाँ पे आपके जो लॉक होते हैं वो आपके अच्छे से बैठ जाते हैं। तो ये जो आपके मैग्नेट रॉड जो हैं वो आपके अच्छी तरह से यहाँ पे जो लॉक दिया हुआ है उस पर आपके बैठ गए हैं। इसके बाद जो ये हमने जो गियर निकाले थे उस गियर को भी हमको क्या करना है, लगा देना है। तो ये यहाँ से हमने पहले गियर लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कट की निशान दी हुई है ना आपके गियर पे, और यहाँ पे भी आपके एक कट के निशान दिए हुए हैं। तो उस दोनों कट के निशान को हमको एक साथ करना है, और ये देखिए आपके जो गियर है वो यहाँ पे सेट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हमने एक यहाँ पे कैप निकाली थी, तो उस कैप को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसमें जो आपके गियर को जो सेप जो दिख रही है वो सेम आपके यहाँ पे इनके कैप पे भी दिखेगी, तो उस कैप को हमको उसी तरह से लगा देना है। तो यहाँ पे हम उस कैप को लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो गियर के ऊपर जो कैप जो लगी हुई है वो यहाँ पे आपके बैठ गई। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके जो कैप है वो पूरी अच्छी तरीके से बैठ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ से एक स्क्रू ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए आपके स्क्रू हमने निकाले थे वो यहाँ पे हमने टाइट कर देते हैं। तो ये जो है वो आपकी स्क्रू जो है वो आपके टाइट हो गई। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमने जो ये जो अलग अलग पार्ट्स किए थे कार्टेज को, उस कार्टेज को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपका जो गियर वाली साइड है वो आपके एक साइड रहेंगे, और आपके जो ये वाले जो साइड दिख रहे हैं वो आपके एक साइड रहेंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपको दो खांचे दिख रहे हैं, उस खांचे पे हमको ये जो दोनों जो आपके जो खांचे जो दिख रहे हैं उस खांचे को हमको क्या करना है, बैठाना है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से बैठा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपके जो कार्टेज जो है वो आपके बैठ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो आपकी स्प्रिंग जो है अच्छे से बैठनी चाहिए, वरना इसी के कारण भी आपके प्रिंट पे दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी स्प्रिंग जो है वो भी आपके अच्छे से बैठ गई है, और इधर भी आपकी जो स्प्रिंग है वो यहाँ से दिख रही है वो आपकी अच्छे से बैठ गई है। अब इसको लगाने के बाद हमने क्या किया था, लॉक लगाना है। तो यहाँ से हमारे पास जो लॉक है तो उस लॉक को हमको लगा देनी है। तो इस लॉक को देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके जो हैं वो लॉक भी आपका एक साइड आपका पूरा राउंड है और एक साइड हल्का सा थोड़ा सा वो है। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉक को लगा देते हैं। तो जैसे ही आप ये जो सेटर है, सेटर को जैसे आप अप डाउन करते हैं तो आपको ये जो लॉक वाली जो पोजीशन है वो आपको दिखती है। तो यहाँ से हम लॉक लगा देते हैं। तो लॉक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉक लगा देते हैं, और इसको हल्के से पेंचिश या आपके स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा फिट बैठा देते हैं। दोस्तों अब हमने एक साइड की लॉक लगा दी है, अब इस साइड भी हम लॉक लगा देते हैं। तो ये जो सेटर है उसको आप जैसे अप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो लॉक लगानी है वो वाली आपको पोजीशन दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पे लॉक लगा देनी है। तो ये देखिए दोस्तों हमने लॉक लगा दी है। ये लॉक लगा दी है। अगर आपका लॉक टाइट है तो आप ऐसे पेंचिस से भी इसको थोड़ा सा धक्का देके ये लॉक आपकी अच्छे से बैठनी चाहिए, ताकि आप जब कार्टेज प्रिंटर पे डालें तो ये वहाँ पे आपके रुके ना। तो ये देखिए ये आपके लॉक लग गए हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने पीसीआर रोलर जो निकाले थे उस पीसीआर रोलर को हमको फिर बैठाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पीसीआर जो रोलर निकाले थे वो हमने यहाँ पर जो आपकी स्प्रिंग दिख रही है एक,
उसके अंदर हमको क्या करना है, पीसीआर रोलर को बैठाना है। तो यहाँ से हम पीसीआर रोलर ले लेते हैं और यहाँ पे इनके जो खांचे हैं उस खांचे पे हम यहाँ से बैठा देते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीसीआर रोलर जो है वो आपके बैठ गए हैं। अब इसको बैठाने के बाद हमको क्या करना है, ड्रम लगानी है। तो दोस्तों, ड्रम लगाने से पहले हमको ड्रम को अच्छी तरीके से कोई सॉफ्ट कपड़े से या पेपर से हमको अच्छे से साफ़ कर देना है, ताकि इस पर कोई डस्ट ना हो। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। इसका यूज़ के लिए आपको सॉफ्ट चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ताकि इस पर कोई ख़राब ना हो या इस पर आपके कोई खरोच ना आए। तो यहाँ से हम ड्रम भी लगा लेते हैं। तो सेटर को ऊपर कर लिए हमने। अब यहाँ पर देखिए, आपके जो ड्रम है गियर वाली साइड को आपको पकड़ना है। और यहाँ पे देखिए, इसका एक लॉक दिया हुआ है, जहाँ पे आपका जो ये वाला जो पिन जो आपको दिख रही है वो आपके इसके अंदर जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, हल्के से इस पिन को इस ड्रम के अंदर घुसाना है और यहाँ पे गियर वाली साइड को हमको पुश करते हुए इसको अंदर की ओर लेके जाना है और यहाँ से हमको फिट बैठा देना है। तो ये जो आपकी जो ड्रम जो दिख रही है वो आपकी फिट बैठ गई है। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो आपके गियर के ऊपर जो हमने कैप जो निकाली थी, उस कैप को हमको क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पे है उसका कैप, इस कैप को हम लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपकी जो कैप है उसका जो आपका जो खांचा दिख रहा है और आपके यहाँ पे गियर साइड जो खांचे दिख रहे हैं वो आपके सेम लगेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिम्बॉल। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं इसके कैप को। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो कैप है गियर के ऊपर, वो कैप आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो स्क्रू लगी थी वो स्क्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे स्क्रू लगी हुई थी। तो ये स्क्रू लगा देते हैं। यहाँ पे जो आपके कार्टेज जो होते हैं, यहाँ पे आपके दो स्क्रू लगे होते हैं। अभी मेरे पास एक ही स्क्रू है, तो मैं एक स्क्रू लगाई हूँ। आपके पास अगर दो स्क्रू रहेंगे तो आप ये दोनों स्क्रू आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ये आपके कार्टेज रेडी हो गए। इसके बाद दोस्तों, सबसे लास्ट में जो हमको लगाना होता है वो होता है आपका सेंसर पिन, जिसको मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि इसका क्या यूज़ है, इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कार्टेज पर जो आपके जो सेटर हैं उस सेटर को खोलना है, और आपको गियर के जस्ट अपोजिट साइड, इधर आपका गियर है तो आपके इस साइड कुछ आपके सिंबल दिए होंगे खांचे का, उस सिंबल पे हमको क्या करना है, ये जो आपके जो सेंसर पिन जो दिख रही है उस सेंसर पिन को लगानी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कट का निशान दिख रहा है और इधर भी आपका कट का निशान दिख रहा है। तो इस कट के निशान पे जो इधर छोटा वाला जो कट का निशान दिख रहा है, उसमें हमको सेंसर पिन के छोटे वाले पिन को रखना है, और जहाँ पे आपका थोड़ा सा बड़ा जो कट दिख रहा है उस पे बड़े वाले सेंसर पिन को, पिन की कट को डालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप सेंसर पिन को रखिएगा और एक हाथ पे आप इस सेंसर पिन को रखिएगा, ताकि ये सेंसर पिन जब आप लगाए या इसको थोड़ा सा स्ट्रेचेबल करें तो ये आपकी पिन कहीं भागे ना। उसके बाद ये जो आपके नुकीले वाले जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, उस टूल्स से हमको इसको पकड़ना है, और इसको पकड़ने के बाद यहाँ पर ले जाके इसको डाल देनी है। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी जो सेंसर पिन जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से लग गई है। अब हम जब सेटर को करते हैं तो ये सेटर ऑटोमेटिक आपका अप डाउन होते रहते हैं। तो ये दोस्तों आपके 12 के कार्टेज हो गए आपके रिफिल। अब आप इसको एक बार चेक करके देख सकते हैं कि आपकी प्रिंट अच्छी आ रही है कि नहीं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कतें आती है ऐसी, तो फिर आप कमेंट्स कीजिए हमको, हम आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो लाएंगे। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी, लैपटॉप, अगर इससे रिलेटेड कोई आपको एसेसरीज चाहिए तो वो आपको हमारे शॉप पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसका मैंने आपका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी कैश ऑन डिलीवरी होती है, आप वहां से भी जाके आप अपना सामान खरीद सकते हैं। क्या बिजनेस को सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग, या पाना चाहते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग की एक जॉब, तो बने रहिए मेरे साथ इस YouTube पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोमन सिंह चंद्राकर और आप देख रहे हैं माय YouTube चैनल डोमो कंप्यूटर। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं कंप्यूटर अकाउंटिंग और बिजनेस की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन,
अपनी इन वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।